हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेको भारत। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वाहन 15 साल से पुराने हो गए हैं उन वाहनों का क्या होगा, क्या वो कंडम होंगे, क्या वो रोड पे चल सकते हैं, क्या सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कानून बनाया हुआ है वो इम्प्लीमेंट है, क्या इनको रियायतें दी गई हैं, वो सारा का सारा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको सारी बताऊँगा, जिन लोगों के कमर्शियल वाहन हैं 15 साल और प्लस, जो प्राइवेट वाहन हैं वो, उनके बारे में भी कि उनके 15 साल अगर वाहनों को हो गए हैं, जैसे टैक्सी होगी, गाड़ीज़ होगी, बाइक्स होगी, ट्रक्स होगी, टेम्पूज हो गए, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा कि वो 15 साल के बाद रोड पर चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ, 24 जुलाई 2019 को एक केंद्र सरकार ने अपने परिवहन डिपार्टमेंट में एक प्रस्ताव जारी किया है कि जो वाहन 15 साल पुराने हो गए हैं अब उनको कंडेम नहीं किया जाएगा, उनको दोबारा से रोड पे चलाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, ये एक एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी की, क्योंकि इससे पहले क्या था, कोर्ट के आदेश थे कि जो 15 साल वाहन पुराने हो गए हैं, जैसे कि पेट्रोल वाहन 15 साल से पुराना है तो उसको कंडेम होना होगा, जो डीजल है उसको 10 साल से ज़्यादा हो गया है तो वो कंडम होगा, लेकिन अब जो 15 साल से ऊपर के वाहन हैं उनको चलाया जा सकता है। उसके लिए एक कुछ शर्तें रखी गई हैं, वो शर्तें अगर आप पूरी करते हो तो आपके वाहन को चलाने की अनुमति मिल सकती है। वो शर्तें क्या हैं वो वीडियो में मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपका वाहन 15 साल से ऊपर है, पुराना हो चुका है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब उसको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, उसका दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन इसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका, दो से तीन गुना महंगा रजिस्ट्रेशन चार्जेस गवर्नमेंट लेगी। और इसके अलावा आपका कमर्शियल वाहन है तो आपको हर 6-6 महीने में उसकी फिटनेस करवानी पड़ेगी, जैसे कि पहले सालाना फिटनेस थी, अब उस फिटनेस को 6-6 महीने के अंतराल में आपको वो फिटनेस करानी पड़ेगी। इसी दौर में आप अपने वाहन को चला सकते हो, क्योंकि ये मानना था कि जो 15 साल पुराने वाहन हो गए हैं अब उनका होगा क्या, क्योंकि कुछ वाहन ऐसे होते हैं जो अच्छी कंडीशन में रहते हैं, उनके ओनर्स, उनके मालिक उनको अच्छी कंडीशन में रखते हैं तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है, उनकी अच्छी लाइफ होती है। क्योंकि लेकिन गवर्नमेंट का ये मानना था और जो सुप्रीम कोर्ट का भी मानना था कि जो वाहन 15 साल से ऊपर हो गया है उसमें दिक्कत क्या आती है, वो ईंधन को ज़्यादा खपत करता है, प्लस उससे पोल्यूशन भी होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक दोबारा से रिकंसाइल करके, उसको रिकंसिडर करके, सेंट्रल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये अनुमान किया कि आप उस वाहनों को चला सकते हो, लेकिन कुछ शर्तों के अंदर। अगर आपकी गाड़ी की फिटनेस प्रॉपर है, 6-6 महीने में प्रॉपर है, और आप उसका रजिस्ट्रेशन देते हो रिन्यूअल 2 से 3 गुना महंगा, मतलब जो न्यू गाड़ी का आप रजिस्ट्रेशन कराओगे उससे 2 या 3 गुना आपके पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा, तो अगर आप ऐसा प्रोसेस करते हो तो आपको गवर्नमेंट चलाने की अनुमति देगी। ये केस उन चीज़ों के लिए भी इम्प्लीमेंट होता है कि जैसे कुछ बड़ी गाड़ियाँ थीं, जैसे एक हमारे देश में एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां होती हैं, जैसे जैगुआर, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, इस तरीके की महंगी लग्जरी सेगमेंट होती है। अब इन गाड़ियों में 10-15 साल में कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि महंगी सेगमेंट की है, अच्छे अच्छे पोर्स एरिए में रहते हैं, लोग भी अमीर हैं, तो ये उनकी मेंटेनेंस भी उसी हिसाब से होती है, तो इन गाड़ियों का 10-15 साल में कुछ घिसता नहीं है। तो इसी को हो सकता है कि मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये वो इम्प्लीमेंट किया है कि आप 15 साल से ऊपर के वाहन को भी रोड पे चला सकते हो। लेकिन ये उन दोस्तों के लिए और उन ऑपरेटर्स के लिए भी फायदेमंद है जिनकी गाड़ियाँ कमर्शियल वाहन में यूज़ होती हैं, जिनकी गाड़ियों को 15 साल हो चुके हैं, अब उन गाड़ियों का वो कंडम करें या बेचें क्या करें, तो इसमें उनको राहत मिल जाती है कि आप अपनी गाड़ी का फिटनेस 6-6 महीने बाद कराओ तो आपकी गाड़ी को गवर्नमेंट चलने की अनुमति दे सकती है, जिससे आप कुछ समय तक उस गाड़ी को एक्सटेंड कर सकते हो और चला सकते हो। तो दोस्तों, ये न्यूज़ थी कि 15 साल से पुराने जो वाहन हैं उनका क्या होगा, क्या वो रोड पे चलेंगे। तो 24 जुलाई 2019 में एक प्रस्ताव आया है सेंट्रल परिवहन डिपार्टमेंट से कि आप चला तो सकते हो, लेकिन इन शर्तों पे, आपको उसका नवीनीकरण करने के लिए आपको 2 से 3 गुना उसकी फीस देनी होगी और प्लस 6-6 महीने के अंतराल में उसको फिटनेस
देनी पड़ेगी, कराना पड़ेगा, तब आप जाके 15 साल वाहन 15 साल पुराने ओल्ड व्हीकल को रोड पे चला सकते हो। तो दोस्तों ये खबर थी, 15 साल से पुराने वाहन चलेंगे या नहीं चलेंगे उसके रिगार्डिंग। तो दूसरी खबर कोई नई मिलती है तो आपके साथ शेयर की जाएगी। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।